सो हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के बीआई बुक से पढ़ेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एक बहुत अच्छा जानकारी, इसमें एक बहुत महान वैज्ञानिक के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये चैप्टर है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के पूरा जीवनी के बारे में समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे लाइन वाइज और बारीकी से इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, अब देखिए जो पहला पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज फ्री। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन का एक शहर उल्म में। ठीक है, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी महानता के विषय में जानते ही समझते ही हैं, लेकिन जो मेन बात है जो आपको समझना है, ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ सोचती थी अल्बर्ट वॉज फ्री। फ्री का मतलब होता है कैसा व्यक्ति, जो दिखने में अच्छा नहीं हो, उसका बिहेव अच्छा नहीं हो, वो अच्छा सोचता नहीं हो, कि मेरा जो अल्बर्ट है वो फ्री है। टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो सिर थे वो काफ़ी बड़े थे। एट द एज ऑफ टू एंड हाफ जब 2.5 साल की उम्र थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, वो बोल नहीं पा रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर एवरीथिंग ट्वाइस। लेकिन जब वो बोलना सीखे, फाइनली जब वो अंततः बोलना सीखे, तो हर बात को बोलने में वो अटर करता था। अटर का मतलब होता है हकलाना या कोई बात को दोबारा बोल देना। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन। अब आइंस्टाइन को ये पता नहीं चल रहा था कि और दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, मीन्स टू से। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। ठीक है, और उनके जो प्लेमेट्स थे, जो क्लासेस में थे, सारे बच्चे जो हैं आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग बोला करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। और इस कारण से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं खुद यानी स्वयं वो खेला करते थे, किसी के साथ वो नहीं खेला करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मच ऑफ द टाइम यानी पूरा समय जो है वो खुद अकेला खेला करते थे। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, वो अपने न्यू बॉर्न सिस्टर जो हैं जिसका नाम माजा है, ही से टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर विल्स। ये काफ़ी रोचक है अपने सिस्टर को देख करके, हाँ ठीक है ऐसा बोलते हैं वो, हाँ ठीक है, लेकिन जब वो चलती थी तो उन्हें लगता था कि इनका जो है वो व्हील्स किधर है, यानी चक्के किधर है जो ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए कुछ पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। ऑटो न्यूगेबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स नोटो न्यूगेबर टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइजेस एज अ लीजेंड। अब जो हिस्टोरिकल
हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स जो थे वो ओटो न्यूगेबर, उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन जो हैं वो कैरेक्टर से लीजेंड लगते हैं, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। बिल्कुल वो लीजेंड लगते हैं, एज ही वॉज अ लेट टॉकर, वो एक्चुअली बहुत लेट से बोला करते थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित थे उस बात को लेकर के। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, और जब सपर टेबल, जब सपर का मतलब हो तो भोजन करने का, सपर टेबल का मतलब हो गया भोजन करने का टेबल, तो रात्रि में अंततः जब एक रात में वो सपर पे बैठे हुए थे, सपर टेबल पे भोजन जहाँ करते हैं सभी कोई फैमिली के साथ बैठे हुए थे। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और फाइनली वो जो है उनकी आवाज़ निकली, द सूप इज टू हॉट, ये जो सूप है, सूप एक प्रकार का पीने का तरल पदार्थ होता है, वो कहते हैं कि सूप जो है काफ़ी गर्म है। ग्रेटली रिलीव हिज पेरेंट्स आस्क वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, अब उनके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी तो उनके पेरेंट बोलते हैं कि ये सब जो है पहले क्यों नहीं आया था। अल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज ऑफ टू नो एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, तो वो कहे कि, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ जवाब आता है कि बिकॉज ऑफ टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि सभी कुछ ऑर्डर में थे इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. और उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो बोला करते थे कि आइंस्टाइन कौन सा करियर चुनेगा, कौन सा प्रोफेशन चुनेगा, ये कोई कैसे कहा जा सकता किसी, ये कोई मैटर की बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, वायलिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वायलिन एट द एज ऑफ 6 यानी 6 साल की उम्र में वो वायलिन उन्होंने बजाना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो एक म्यूजिशियन बने, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर फाइनलिस्ट, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और एक अमेचर बन गए, कहाँ पे, वायलिनिस्ट एक बन गए, यानी वायलिन बजाने वाले, और काफ़ी ज़्यादा स्किल उनके अंदर आ गई वायलिन बजाने को लेकर के। ठीक है, तो अमेचर का मतलब हो गया कि पर्सनल जो है एंजॉयमेंट उसके लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वायलिन जो है वो बजाया करते थे, काफ़ी ज़्यादा स्किल उनके अंदर आ गई थी। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, वो बैड पीपल नहीं थे, पीपल का मतलब होता है छात्र, वो ख़राब छात्र नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, तो म्यूनिक हाई स्कूल पे वो चले गए, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, और जो है वहाँ कब उनके जो फैमिली है वो मूव कर गए थे, जब आइंस्टाइन जो है 15 महीने के थे तभी वो चले गए थे। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट में जो है आइंस्टीन वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, ठीक है, तो आइंस्टीन को स्कूल बहुत ही गंदा लगता था, क्यों, क्योंकि वो स्कूल में जो रेजिमेंटेशन रहता था, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, तो स्कूल्स में जो डिसिप्लिन जो रहते थे उसको लेकर के उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और टीचर के साथ उनकी बहस भी कभी कभी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ड सो स्टिफल, ठीक है, और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो है अपने आप को अनेबल समझने लगे, अनेबल टू ब्रेथ, ठीक है, सफिस्टिकेटेड समझने लगे, ठीक है। हियर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड,
और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, यानी स्कूल में उनको घुटन महसूस होने लगी इसलिए वो स्कूल को छोड़ दिया। स्टिफल्ट का मतलब होता है घुटन महसूस होना। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अब जो हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स हैं वो मिलान जो हैं मूव कर गए, वहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलेटिव के पास उनके जो रिश्तेदार थे उनको यहाँ छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। और बहुत डिस्कशन के बाद जो आइंस्टाइन हैं वो अपना जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। म्यूनिक जो है म्यूनिक से ज़्यादा ये था। तो जिस जगह पे वो पढ़ाई करना चाह शुरू कर दिए वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का एक ऐसा जगह जहाँ पे जर्मन बोला जाता था वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई शुरू करी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उनकी वो एक तरह से गिफ्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। और जो अपना स्कूल को फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिख में जा कर के स्टडी करेगा। बट सिन साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मस्टैक। ठीक है, सिर्फ साइंस ही नहीं था कि जिसमें इनकी रुचि कहें तो बहुत ज़बरदस्त थी, बल्कि सभी चीज़ों में। जैसे इनकी मूछें देखिए, आप देख सकते हैं मूछें भी बहुत शानदार, और ये वाला पिक्चर तो काफ़ी लाजवाब है, ये सभी जगहों पे मिलते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के। और ये वाला जो पिक्चर है एट द एज ऑफ 21, 21 साल जब थे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब तो उनकी ये तस्वीर है। और हम लोग बाद में जो देखते हैं अभी हाल जो सबसे लास्ट वाले पिक्चर देखते हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन 1955 की ये पिक्चर है। अरे ये 90s की पिक्चर है, यानी 55 साल का डिफरेंस है इन दोनों फोटोज़ में, तो काफ़ी रोचक ये है। आगे बढ़ते हैं। He also felt a special interest in fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a cleverer creature. और उनकी रुचि अपने फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक से थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और काफ़ी ज़्यादा लगाव भी था उनसे। whom he found to be a clever creature. और उन्हें लगता था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता था कि वो काफ़ी क्लेवर क्रिएचर हैं, काफ़ी तेज हैं। दिस यंग सर्व had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. देखिए ये इसलिए आए हुए थे स्विट्जरलैंड क्योंकि जो है ज्यूरिख जो है एक ऐसा जगह था वहाँ पे वुमेन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब ईजिली वहाँ पे डिग्रीज ले सकते थे। इसलिए ये जो यंग सर्ब हैड जो हैं, ये जो यंग सर्ब हैं, यंग सर्ब का मतलब यहाँ कहने का मतलब होगा मिलेवा मैरिक, ये आए हुए थे स्विट्जरलैंड स्टडी करने के लिए, डिग्री लेने के लिए। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन। फिलिस्टीन जो है अ वर्ड, इसका मतलब देख लीजिए, अ वर्ड यूज डिसप्रोविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक। ये कभी कभी उनके अगेंस्ट जब उनको कहना होता था तो फिलिस्टीन उनको बोला करते थे, क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट थे। ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स, द कपल फेल इन लव। और इन दोनों में प्यार हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक के बीच में। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। और लेटर अभी भी सुरक्षित है जो उन दोनों के बीच में लिखी गई थी। मिक्सिंग साइंस, और वो भी जो बातें लिखी गई थी वो अजीब थी, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। ठीक है। रोट
आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क और रिलेटिव टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। ठीक है, कि कितना अच्छा और हमें गर्व महसूस होता है कि हम लोग वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क, कि हम लोग साथ करते हैं, साथ कार्य करते हैं ऑन रिलेटिव रिलेटिविटी। उनकी जो एक थ्योरी थी रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, उस पर हम लोग साथ में काम करते हैं और उसका जो पेपर होगा वो का अच्छा होगा और उसका जो एंड होगा वो विक्टोरियस कंक्लूजन होगा, यानी हमारी जीत होगी। यानी वो जो लेटर लिखा करते थे उसमें भी साइंस और फिजिक्स की बात किया करते थे। इन 90s एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 ईस्वी में जब उनकी उम्र, आइंस्टाइन की उम्र 21 साल थी, तब वो पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट क्या प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और फिर 1902 में उन्हें काम मिली टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जो पेटेंट ऑफिस में, और कहाँ था वो, बर्न में। ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें काम मिली। इसके पहले वो प्राइवेट जो हैं असिस्टेंट जो हैं टीचिंग असिस्टेंट थे। उसके बाद उन्हें 1902 में कार्य जो नौकरी मिली वो पेटेंट ऑफिस बर्न में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी एसेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन को भी बड़ी अच्छे और ध्यानपूर्वक देखते थे, समझते थे। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, उनकी जो आइडिया थे वो काफ़ी गुप्त थे, गुप्त तरीके से अपने आइडियाज़ को जो है बढ़ा रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और डेस्क ड्रावर जो है, एक ड्रावर थी जिसे कहा जाता था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, जॉकिंगली यानी मजाक के रूप में, चूँकि सारे काम जो वो किया करते थे, जो पेपर वो रेडी करते थे, जिस पे वो काम करते थे, वो वहीं पे था। ठीक है, यस, फिर नेक्स्ट क्या होता हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो 1905 में जो सबसे फेमस पेपर रहा वो आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। ठीक है, इसके अनुसार जो है क्या होता था कि टाइम और डिस्टेंस जो हैं आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मेजर इन इट्सेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। ठीक है, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। यहाँ कहने का मतलब कि जैसे दो घड़ी को आप ले लें और अलग अलग क्षेत्रों को घूम करके आए दूसरे देश, तो उसमें जो है डिफरेंस हो जाएंगे। दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और यहीं से जो है दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला निकला, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इज जो है उसका मतलब एनर्जी हो गया, m का मतलब मास हो गया और c का मतलब हो गया स्पीड। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही फेमस है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। व्हेन यू सी विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक अच्छे लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको लगता है कि सिर्फ 2 मिनट हुए। ठीक है, व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब किसी आप गर्म जगह पे बैठते हैं 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तब आपको लगता है कि 2 घंटे आपने बिता दिया। दैट्स रिलेटिविटी, इसको समझाया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसको मजाकिया अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या फिर बातें होती हैं। व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम
problems in physics. His private life partner was unraveling. ठीक है, जब आइंस्टाइन ने सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है फिज़िक्स का वो सॉल्व कर रहे थे, तो उनकी लाइफ जो है वो अनरेवलिंग होने लगे, स्टार्टिंग टू फेल, यानी अनबन होने लगी लाइफ में. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिबा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. अल्बर्ट जो है वो मेलिबा से शादी करना चाहते थे फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपना स्टडी को पूरा करके. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ जो है वो उसके खिलाफ थी. सी थॉट मेलिबा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन. वो सोच रहे थे कि मेलिबा जो है उनके बेटे से 3 साल बड़ी हैं. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा उम्र हो उसकी. शी वॉज ऑल्सो बॉदर बाय मेलिबास इंटेलिजेंस. मेलिबा के इंटेलिजेंस से भी उनको दिक्कत थी, काफ़ी तेज तरह थी मेलिबा. सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. और उसकी माँ कहा करती थी कि मेलिबा जो है आपके लिए किताब है. इट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया. चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और फाइनली जो है वो दोनों के बीच में शादी हो गई, आइंस्टाइन और मेलिबा के बीच में. एंड हैड टू सन्स, वहाँ से 2 बच्चे उनको हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टेड, और कुछ ही दिन बाद, 2 साल के बाद, जो मैरिज जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी उन दोनों के बीच में. मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और मेलिबा जो है अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज तरह थी, वो खो करके वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ रह गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, यानी कंटिन्यूस फाइटिंग होने लगी उन दोनों के बीच में, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. आइंस्टाइन मैरिज हिज कज़न इल्सा द सेम ईयर. तो लगातार फाइटिंग के बाद मेलिबा और आइंस्टाइन के बीच में डाइवोर्स हो गया 1919 में. एंड अगेन क्या होता है कि आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न अल्सा द सेम ईयर. और उसी साल जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कज़िन से शादी कर लेते हैं, उसी साल अल्सा से. चलो आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और 1915 में उन्होंने जो है सो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया, विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट. तो जो प्रूफ उन्होंने किया था, जो थ्योरी में बताया था, वो प्रूफ कब हो गई, जब 1919 में सूर्य ग्रहण लगा था. एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग, सूर्य ग्रहण लगा था, तो वो थ्योरी जो उनकी प्रूफ हो गए. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और उनका जो ये काम, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का काम था, यानी एक क्रांति थी, ज़बरदस्त क्रांति थी साइंस के क्षेत्र में. उनकी ज़बरदस्त उनकी डिस्कवरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स के लिए मिला 1921 में. ही वॉज showered with honors and invitations from all over the world. और सभी जगहों से उनको invitation मिले और honor मिला. And lauded by the press. ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States.
जब नाजीज जो हैं जर्मनी में आए 1933 में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में इमिग्रेट कर गए, वहाँ चले गए अमेरिका रहने के लिए। 5 ईयर्स लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोअर। तो 5 साल के बाद जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन जो है नाभिक विखंडन जो है वो बर्लिन में हुआ एंड हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोअर। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो काफ़ी अप्रोअर हुए, अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिस जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ देवर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड द यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। इसलिए उन्हें डर था कि नाजीज जो हैं वो एटॉमिक बॉम्ब यानी एटम बॉम्ब बनाकर तो फिर क्या होता है देखते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्न्ड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो यहाँ पे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, इस तरह के जो बॉम्ब हैं, ये चिट्ठी लिखी थी 2 अगस्त 1939 को, जो इस तरह के बॉम्ब जो हैं एटम बॉम्ब जो हैं एक एटम बॉम्ब एक पोर्ट को उड़ा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, पोर्ट के साथ साथ अगल बगल का क्षेत्र को भी वो बर्बाद कर सकते हैं। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। और उनके वर्ड में काफ़ी ज़्यादा जान थी। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो अमेरिकन क्या है सीक्रेटली एटम बॉम्ब को बनाया अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जापान के ऊपर हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर पे 1945 में अगस्त के महीने में एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। ठीक, फिर क्या होता है देखते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकेंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए थे आइंस्टाइन। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड स्टेट। और यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग उन्होंने लिखा, एक लेटर लिखा, स्पेशली ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनलाइक द बेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। और इसके बाद जो है ज़्यादा इफेक्ट तो उससे नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आइंस्टाइन भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए वो ज़्यादा काम करने लगे, पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। और उनकी डेथ जब हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76, तो उन्हें विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन कहा गया और एक साइंटिफिक जीनियस भी उन्हें कहा गया। तो ये तो कहानी थी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।